स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूं आपके साथ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद में शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत चुनाव संपन्न कराने को लेकर बैठक सोमवार दोपहर कुमार दुबे क्लब में दो राज्यों के पुलिस की एक महत्वपूर्ण बैठक निरसा SDPO पीताम्बर सिंह खेरवार की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें बॉर्डर एरिया में पड़ने वाली सभी थाना व OP की पुलिस शामिल हुई। बैठक में मुख्य रूप से सिंधरी SDPO अभिषेक कुमार भी उपस्थित थे। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि आगामी पंचायत चुनाव को किस तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया जाए। साथ ही बीच बीच में दोनों राज्यों की पुलिस की ओर से लगातार चेकिंग अभियान चलाकर चुनाव में बाधा उत्पन्न करने वालों पर नकेल कसा जाए और वहीं दोनों राज्यों के फरारी मुजरिम पर नकेल कसने को लेकर भी योजना तैयार की गई है, निरसा SDPO पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया। बैठक में निरसा SDPO पीताम्बर सिंह खेरवार के साथ सिंधरी SDPO अभिषेक कुमार आदि मौजूद थे। निरसा संवाददाता मजीद खान की रिपोर्ट। पंचायत इलेक्शन झारखंड में होना है, उसको लेकर काफ़ी सजग हैं हम लोग। बंगाल बॉर्डर एरिया पड़ता है, तो जितने भी बॉर्डर एरिया के थाने हैं उनके थानेदार और SDPO लेवल का बैठक हुआ है, जिसमें सूचना का आदान प्रदान और साथ ही फ्री फेयर इलेक्शन कराने के लिए हम लोग चर्चा किए हैं। और जो भी सीमावर्ती क्षेत्र में जितने भी समस्याएं हैं, जो भी केसेस से संबंधित हैं, या तो उस क्षेत्र के अपराधी हैं या इस क्षेत्र के हैं, दोनों का सूची का हम लोग आदान प्रदान किए हैं। और काफ़ी अच्छा ये मीटिंग रहा, सबको इसमें सहयोग करने की बात कहे हैं। साथ ही साथ इलेक्शन से पहले से चेकिंग करने और चेक पोस्ट लगाने का आपस में थाना प्रभारी नंबर का एक्सचेंज किए हैं और एक व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग बनाए हैं। अच्छे से तरीके से इलेक्शन काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग कराने के लिए पूरा जितना भी एक्सरसाइज है करना है। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर क्या योजना, खास योजना तैयार किया? योजना काफ़ी अच्छे से हम लोग हर एक बूथ वाइज हम लोग रीड कर रहे हैं, वहाँ का कैटेगराइज कर रहे हैं कि वहाँ पर विधि व्यवस्था का पूर्व का क्या इतिहास और अभी क्या है और समान है, या तो फिर वहाँ का सिचुएशन है जो है। बूथ वाइज हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद उसके आधार पर हम वहाँ फोर्स लेंगे। धन्यवाद सर।